हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया है, उसके दो पार्ट भी बन चुके हैं हमारे लाइफ साइंस की क्लास 9 का। तो उसके बाद हम बाद के जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और उसके बाद जितने भी आप इसके बाद जितने भी टॉपिक आते जाएंगे आप समझते जाइएगा। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व जरूर करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ में बहुत तरह के लाभ मिल सके। क्वेश्चन आंसर सॉल्व के दौरान हम बहुत कुछ इसमें और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि अभी डिस्कशन के दौरान जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर के दौरान और अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी जैसे कि एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, डी कैडलो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का यूज किया था सबसे पहले। तो टैक्सोनॉमी जैसे शब्द है, ये दो शब्दों से मिला है। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। टैक्सो मीन्स होता है टैक्सिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था, ठीक है, यानी अरेंजमेंट। और नोमोस, नोमोस उसका अर्थ होता है नियम, ठीक है। तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसको जो साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, डी कैडोल ने इस नाम का यूज किया था, ठीक है। इस नाम के यूज करने के बाद उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस में हमें बहुत सारे चेंजेस और उसको क्लासिफाइड किया। तो आज हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो टैक्सोनॉमी क्या है? इन बायोलॉजी टैक्सोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी है बायोलॉजी में नेमिंग, डिफाइनिंग डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग करता है, जो क्लासिफाई करता है ग्रुप्स को ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर कैरेक्टर्स, उनके चरित्र, उनके गुणों के आधार पर उनको क्या करता है, क्लासिफाई करता है। तो टैक्सोनॉमी यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वैज्ञानिकों ने विज्ञान की एक शाखा विकसित की, बायोलॉजी में एक शाखा ऐसी विकसित की जिसमें पौधों और प्राणियों के विशेष लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया, उनको क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब इम्पोर्टेंस, मतलब ये बात, प्रश्न उठा कि टैक्सोनॉमी इम्पोर्टेंट क्यों है, टैक्सोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्यों है? तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अलाउ साइंटिस्ट टू ऑर्गेनाइज, साइंटिस्ट इस टैक्सोनॉमी के जरिए अलाउज करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए ह्यूज अमाउंट्स ऑफ नॉलेज, जो पौधों या प्राणियों के उसके बारे में ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। अलाउ साइंटिस्ट टू मेक प्रेडिक्शंस एंड फ्रेम हाइपोथेसिस अबाउट ऑर्गेनिज्म, प्लेसेस ऑर्गेनिजम्स इन टू मीनिंगफुल यूजफुल ग्रुप्स विथ प्रेसिस नेम, उनके नेम्स के आधार पर, एसेंशियल फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये इम्पोर्टेंस हुआ, इसलिए टैक्सोनॉमी का विकास किया गया, टैक्सोनॉमी बनाया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे इसमें सजीव जगत जो है, सजीव जगत की विविधताओं की सही पहचान और वास्तविक मूल्यांकन किया गया। इसमें सजीवों की समानता और असमानता का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। इससे वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जीवाश्म के अध्ययन में, जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं ना, उनके जीवन कर्म का विकास या उनके एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, वो कहाँ से आए, कैसे वो पृथ्वी पर कितने साल तक रहे, तो इससे ये पता चलता है। सजीवों के वास्तविक पहचान एवं जानकारी मिलती है, ठीक है। जीव विज्ञान के जरिए हमें, जैसे हम समझ भी नहीं पाएंगे, वो उस तरह की जानकारी के लिए टैक्सोनॉमी का विकास किया गया। औषधीय पौधा और सजावटी पौधा में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उनका उपयोग क्या है, जीव जंतुओं को पहचानने में उनके मीनिंगफुल यूजफुल और ग्रुप्स के जरिए उनका वर्गीकरण किया गया। इसी को ही नए नए जीवधारियों के विकास और उनकी उपयोगिता का पता हमें टैक्सोनॉमी के बारे के अध्ययन से, क्लासिफिकेशन और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जरिए हमें नए नए जीवधारियों के बारे में, उनके विकास के बारे में पता चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो ग्रीक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हम सभी जानते हैं, अरस्तु, अरस्तु का नाम सभी जानते हैं, अरस्तु, जिनके बारे में हम पढ़े भी हैं,
अरस्तु जो से सॉरी अरस्तु जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने बुक, जी विज्ञान के साइंटिस्ट थे, हिस्टोरिया एनिमेलियम में, हिस्टोरिया एनिमेलियम में जीवों के बारे में, उनके उनके सब रहन सहन के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो जो अरस्तु साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो ये चीज, ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्राणी जगत का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। आपकी बुक में एक डायग्राम बनाया होगा इस तरह का, देखिए कुछ यहाँ पर है जैसे कि मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरह का एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो प्राणी जगत के बारे में उन्होंने दो तरह से डिवाइड किया, एक का नाम रखा एनाइमा, एनाइमा, और दूसरे का नाम रखा इन इनाइमा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनका रंग जो, ये जो प्राणी होते हैं इनका रक्त लाल रंग का नहीं होता है, ठीक है, इनका जो रंग होता है वो लाल रंग का नहीं होता है, रक्त जो लाल रंग का नहीं होता है, जैसे कि संधिपाद, संधिपाद घोंगा, घोंगा तो हम लोग सभी जानते हैं। और जो इनाइमा था, इनका रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो जैसे हमारे जितने भी हम मेरुदंड प्राणी हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखा गया। फिर उन्होंने क्या किया कि एनाइमा को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, इनाइमा को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक को लिखा अंडज, अंडज यानी कि ओविपरस, और दूसरे को लिखा विविपरस, विविपरस, ठीक है। तो अंडज और विविपरस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो अंडज थे वो अंडों से वंश वृद्धि करते थे, जैसे कि मछली, टोड, पक्षी, जितने भी सरीसृप प्राणी हैं वो सब। और जो भूमिपरस थे वो क्या होते थे कि वो मैमल्स हैं, जितने तरह के वो पूर्ण रूप से बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि स्तनधारी, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के जो शिष्य थे वो थियोफेट्रस, जो नामक साइंटिस्ट थे, ये आपको कहा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु, ठीक है। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाएगा, यानी फादर ऑफ जो प्लांट थे, जिन्होंने बॉटनी कह सकते हैं उनके, उनको किसको कहा जाता है, उनको थियोफेट्रस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए मैं इनको बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। थियोफेट्रस जो साइंटिस्ट थे, जो अरस्तु के ही शिष्य थे, उन्होंने क्या किया कि पौधों को चार भागों में डिवाइड किया, ठीक है। क्या था चार भाग, चार भाग क्या क्या था, जैसे कि ट्रीज, ट्रीज हुआ, झाड़ी, श्रब, ठीक है। उसके बाद आया अंडर श्रब, अंडर श्रब, ठीक है। उसके बाद हर्ब्स, ठीक है। तो ये जो चार भागों में उन्होंने डिवाइड किया, इसीलिए उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने हिस्टोरिया प्लेंटेरम में, प्लेंटेरम में लगभग 480 पौधों का नामांकन भी किया, ठीक है। ये धीरे धीरे मैं यहाँ पर टेक्सोनॉमी के बाद, ये जो साइंटिस्ट थे कितना खुद उन्होंने हमारे लिए सर्च किया, ताकि हमारे फ्यूचर के लिए हम कितना कुछ इनसे औषधि और उनके बारे में क्लासिफाइड करके अपनी लाइफ को कितना ईजी बनाते गए, ठीक है। तो इनके खोजों के आधार पर हम जीव विज्ञान को जानते गए। उसके बाद आया क्या कि ये हमारा जो एनिमल था, एनिमल जगत यानी कि जंतु विज्ञान की जो शाखा थी, प्राणी जगत की शाखा को उन्होंने दो भागों में, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, दो भागों में डिवाइड किया था, एनाइमा और इनाइमा, ठीक है। अब आया कि पादप जगत को, यानी कि जो प्लांट किंगडम था, उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। वो भी देखते हैं कि वो दो भाग क्या क्या थे। जगत को जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, जैसा कि हर्ब को और आर्बेडिया को, ठीक है। तो ये दो भाग थे, उनको डिवाइड किया गया। तो पादप जगत को जिस तरह की दो भागों में डिवाइड किया गया, तो उसमें से जो था लता जाती है यानी कि हर्बी, और उसके बाद आया आर्बेडिया, और फिर लता जाती आर्बेडिया को ही दो भागों में डिवाइड किया गया, एक एक द्विबीजपत्री, ठीक है, और एक बीजपत्री को। उसके बाद लता जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया, इम्परफेक्टा और परफेक्टा में। तो आपके जो बुक में है वो बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से पादप जगत को भी डिवाइड किया गया और प्राणी जगत को भी डिवाइड किया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या कि टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी हेरिटेज क्या होता है, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग जान गए, टैक्सोनॉमिक हेरिटेज क्या होता है, जो
टेक्सोनोमिक हेरिटेरी यानी कि हेरिटेरियल अरेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जो टेक्सोनोमिक जो हेरिटेरी है वो क्या है, तो द करेंट टेक्सोनोमिक सिस्टम नाउ हैज 8 लेवल्स। इसके 8 लेवल्स हैं इन इट्स हेरिटेरी फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाइएस्ट। लोवेस्ट टू हाइएस्ट दे आर क्या क्या है, स्पेसीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। ठीक है, इनको 8 भागों में डिवाइड किया गया। लोवेस्ट से हाइएस्ट की तरफ ये जा रहे हैं, इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो फाइलम जो था, ये जैसे 7 थे पहले, स्पेसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, डोमेन, और जो फाइलम जो था उसको फाइलम के स्थान पर अब क्या लिखा जाता है, अब डिवीजन लिखा जाता है। ठीक है, डिवीजन। ये बात भी नोटिस कर लीजिएगा कि पौधों के वर्गीकरण में जो फाइलम के स्थान पर विभाग लिखा जाता है, यानी डिवीजन लिखा जाता है। बाद में जो कई नई प्रजातियां आई उनको सही स्थान देने के लिए सुपर या सब शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सुपर क्लास, सब क्लास, या सुपर फैमिली, सब फैमिली, इस तरह से करके बाद में इस तरह से नाम भी नई नई प्रजातियों को नाम देने के लिए अब इस तरह से भी किया जाता है। तो टोटल कितने हमारे पास हुए, टोटल 7 हुए, और फाइलम के स्थान पर डिवीजन लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्या कि जीवन के 5 जो जगत है, यानी 5 किंगडम ऑफ लाइफ क्या क्या थे। तो जो एक अमेरिकी जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एच वेटकर, उन्होंने बताया हमें कि जो पांच जीवन के जो 5 जगत थे, सबसे पहले था मोनेरा, उसके बाद आया प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, तो जो मोनेरा क्या था, मोनेरा मो नेरा, ठीक है, मोनेरा जो था इसमें जीवाणु की जो बैक्टीरिया, यानी जो जीवाणु था यानी बैक्टीरिया, हरी नीली जीवाणु यानी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एवं कुछ एक कोशिकीय शैवाल सम्मिलित है, कुछ एक कोशिकीय शैवाल थे। ठीक है, इसमें से जो सभी एक कोशिकीय जो जीव हैं वो स्वपोषी होता था, यानी अपना भोजन वो खुद बनाता था। इनमें प्रारंभिक केंद्र होता था, केंद्रक होता था सॉरी, और केंद्रकीय जो पदार्थ यानी कि जिसको हम लोग डीएनए कहा जाता है, कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली के बिना ही बिखरा रहता था। तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि मोनेरा क्या था। मोनेरा जो था इसमें जो जीवाणु जो था, वो बैक्टीरिया, वो हरी नीली जीवाणु था। ठीक है, और इसकी एक कोशिकीय शैवाल इसमें सम्मिलित था। ये सभी एक कोशिकीय जीव है और यह स्वपोषी पोषण भी करता है। इनमें प्रारंभिक केंद्रक होता था और उसके बाद केंद्रक के पदार्थ डीएनए जो होता है वो कोशिका के अंदर बिना कोशिका झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली के बिना ही बिखरा रहता था। अतः जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, अतः ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। जो ये मोनेरा है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद इनके जो झिल्लीदार अंगक थे यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया आदि का अभाव होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, एजेटो बैक्टर। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा की क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मोनेरा भी है पर इनकी अपनी कुछ खासियत है। ठीक है, और इनमें सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, सुगठित और विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें नहीं पाया जाता था। इसमें कोशिका भित्ति यानी जो वैकुलस है, सेल ऑर्गानिल्स है, और जो इट इज प्राकृतिक राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में तो इसमें सभी जो इनमें स्वपोषी यानी फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं, और जो होलोजोइक होता है और शोषण होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो ये प्रकृतिक अपना पोषण होते रहता है। प्रोटिस्टा में अधिकांश जीव जलीय होते हैं, जैसे कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, जो जलीय परितंत्र इकोसिस्टम के उत्पादक होते हैं। ठीक है, जो उपभोक्ता का कार्य करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं अमीबा प्रोटियस। ठीक है, तो हम लोग जो सेकेंड था प्रोटिस्टा का हम लोग लिख सकते हैं, ये एक था,
दूसरा का हम लोग लिख सकते हैं प्रोटिस्टा, इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, अमीबा, अमीबा प्रोटियस। तीसरा है फंगी, फंगी के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, ये पर्ण रहित विहीन पौधे होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, अभी हम लोग दोनों ये एक कोशिकीय था, ये बहुकोशिकीय होते हैं अपवाद में जैसे ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट क्या है एक कोशिकीय है, ठीक है, ईस्ट भी एक फंगी पर वो एक कोशिकीय होता है। इनका जो शरीर होता है माइसेलियम कहलाता है, जो तंतुओं का बना होता है, और जो जो तंतुओं का हाइफा जिसको कहते हैं, और इसमें टिश्यू सिस्टम भी कम विकसित होता है, ठीक है, इसमें विषम पोषी पोषण होता है, विषम पोषी पोषण होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द्वारा होता है, मृतोपोषी और परजीवी, ठीक है, ये मिलते हैं, ये मृतोपोषी फंगी किसी भी परितंत्र के लिए, का हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं पैक्सिनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। उसके बाद आता है, इससे क्या होता है, इससे रस डिजीज होता है। उसके बाद आता है प्लैंटी, फोर नंबर में आता है प्लैंटी। प्लैंटी क्या है, प्लैंटी ये बहुकोशिकीय विकसित स्वपोषी पौधा होता है, ये बहुकोशिकीय भी होता है, विकसित होता है, स्वपोषी पौधा होता है, यानी खुद से अपना पोषण करता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका युक्त बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं ये पौधे, इसमें ऊतक तंत्र और अंग तंत्र भी पाए जाते हैं, यानी फुल डेवलप्ड होता है ये, इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेल वाल सेलुलोज की दोहरी आवरण युक्त होती है, और इसमें कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां भी होती हैं, लवक प्लास्टिड्स और अन्य अंगक भी पाए जाते हैं, जैसे कि कलश पौधा हो गया, पीचर, पीचर प्लांट बोलते हैं ना, पीचर प्लांट होता है उसको कहा जाता है, इसमें धान ये भी उदाहरण में आ सकता है, और स्थलीय परितंत्र के जो पौधे होते हैं उत्पादक का कार्य करते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं धान, ठीक है, इसको ओराइजा सेटाइवा भी कहा जाता है, इसका साइंटिस्ट नाम है एनिमिलिया। उसके बाद आता है पांच नंबर में एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होता है, क्या एनिमेलिया, इसे बहुकोशिकीय प्राणियों के को रखा गया है, जैसे कि शरीर की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति के बिना ही केवल कोशिका झिल्ली युक्त होती है, ठीक है, तो जो लवक होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं, छोटी छोटी राजधानियां पाई जाती है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, परजीवी और सहजीवी भी पोषण होता है, इसमें परजीवी पोषण भी होता है, सहजीवी यानी पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक दोनों पोषण भी होता है, तो इसमें हम लोग क्या मान सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है केचुआ, जो ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं केचुआ जोंक, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अभी यहाँ पर टैक्सोनॉमी की बात का जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें मैंने एक चीज आप लोगों के लिए छोड़ा कि साइंटिफिक जो नेम था वो आप खुद से देखिए साइंटिफिक नेम को, कि कैसे उनको लिखा जाता है, वो बहुत ईजी है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को स्किप किया है, और जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेन मेन टॉपिक को इस तरह से उठा के आप लोग के लिए बताया है, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो मिलेंगे इसके बाद के टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो प्लीज़ फुल वीडियो देखिए ताकि अच्छे से आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, थैंक यू, बाय बाय।